हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। आज आपके लिए जो है किसी ने सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि जब हम ये कार्डिगन है, बेसिकली कार्डिगन की जो हम साइड की पट्टी बनाते हैं, बटन होल्स वाली पट्टी जो बनाते हैं, वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा उसमें जोल आ जाता है। किस तरीके से उसे बनाया जाए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे? आप देखेंगे, ये देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है आपको, कहीं कोई वो नहीं है और कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने इसमें लाइन कोई स्किप की हो, ये देखिएगा। तो चलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप बटन पट्टी जो है वो किस तरीके से बनाएंगे कि आपको जो है बटन पट्टी टेढ़ी ना हो। तो देखिएगा, ये बटन पट्टी का हिस्सा है और इसके बाद जो है ये बाकी। तो देखिए आपको करना क्या है। अब जो ये 12 फंदे बेसिकली मैंने इसमें डाले हैं, पहले ही मैं बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो देखिएगा, ये इस तरीके से आप 12 फंदे बना लीजिएगा नॉर्मल। और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। एक तरीका तो ये है कि जो ये 12वां फंदा है हमारा, इसे आप बिना बुने हुए, क्योंकि ये उल्टा फंदा है, बिना बुने हुए इस तरीके से उतारेंगे और ऐसे करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं और हम उल्टी तरफ से भी उसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये यहाँ पे जो है उल्टी तरफ से बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम उल्टी तरफ से करते हैं तो आप देखिए ये चेन सी बहुत अच्छी स्मूथ चेन सी आती है। तो चलिए पहले ये पूरा हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम आ गए बटन पट्टी पे। आप ये देख रहे होंगे, ये 12 फंदों की बटन पट्टी है। अब ये फंदा तो सीधा है, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी इस तरीके से। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो फंदा आपको दिख रहा है, इसे आपने ऐसे उतारना है, यानी कि 12 फंदों का जो लास्ट वाला फंदा है उसे आप इसी तरीके से उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और बाकी फंदे हम नॉर्मल बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। यानी कि जो 12 फंदे आपके होंगे उनका जो लास्ट वाला फंदा होगा उसे आपने इसी तरीके से करना है। देखिए, ये 12 फंदे के जो लास्ट वाला फंदा होगा उसे आपने बिना बुने हुए उल्टे साइड पे उतार देना है। आप देखेंगे, ये आपको चेन दिख रही है, ये देखिएगा, ये उसी की चेन है बेसिकली। अब सीधी में आप जैसा बनाते आ रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उसे आपने बनाना है, इसे भी आपने बनाना है। सिर्फ उल्टे साइड पे आप उसे नहीं बनाएंगे। आप करना चाहे तो
सीधे साइड में भी कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली उल्टे साइड में करती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। उल्टे साइड में इस वाले फंदे को, यानी कि ये जो 12 पट्टी के जो आपको फंदे दिख रहे हैं, उसका जो ये वाला फंदा होगा, 12वां फंदा, उसे आपने उल्टे साइड पे बिना बुने हुए उतारना है। अब अगर वो 12वां फंदा आपका उल्टा होगा तो उसके साथ वाला उतारिएगा। इस तरीके से आप इस बटन पट्टी को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बिल्कुल स्ट्रेट बटन पट्टी बनती है, कहीं कोई जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, झोल नहीं आता है, आप ये देखेंगे। तो इसी तरीके से जो है आपने ये बटन पट्टी को स्ट्रेट बेसिकली बनाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं बेसिकली, आप पूछते रहिएगा तो मैं आपके उसके जवाब देती रहूँगी। ऐसे इस तरीके से ध्यान नहीं आता कि आपको क्या बताना है, बाकी आप मुझसे पूछते रहिएगा जो भी सवाल आपके होंगे, तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ उनके बना के आपको जो टेक्निकल बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। थैंक यू।